गई आज से शुरू हो जाएगी और यहाँ से लौटने के बाद धन्यवाद। और जब तक हम लोगों ने जो निर्णय लिया है सरकार हमारी बातें नहीं मान जाती है तब तक हम लोग अपने निर्णय पर अधिक बढ़े हैं। ये सरकार नियमित निर्णय है। अगर आप सब छुट्टियां करेंगे अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो जिला अधिकारी के किसी संबंध से लेंगे। अगर कोई मेडिकल कारण से पेट पे है हॉस्पिटल में है तो अपना कि पिछले बार भी सरकार को आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, आज क्या निर्णय लिया है? पिछली बार भी हम लोगों ने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर ग्रामीण विकास सेवा को राज्य सेवा संवर्ग घोषित किया जाए और उन्हें वेतनमान लेवल 9 प्रदान किया जाए, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम लोगों ने 26/11 से सरकार को सामयिक अवकाश पर जाने का अपने निर्णय से अवगत कराया था। माननीय हमारे विभागीय सचिव से वार्ता के बाद हम लोग इस सामयिक निर्णय के का जो निर्णय था उसे वापस लौट गए थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि 7 दिसंबर तक ही आपके इस दिशा में अगर तक कार्रवाई कर दी जाएगी, किंतु इसके बावजूद हम लोग लगातार उनसे संपर्क में बने रहे और लगातार आश्वासन मिलता रहा कि आपको शीघ्र ही आपकी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा, आपको राज्य सेवा संवर्ग घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। तो अंततः हम लोगों ने पुनः निर्णय लिया है कि हम 1 तारीख से सामयिक अवकाश पर जाएंगे। यानी 1 तारीख से आप लोग हड़ताल कर देंगे? जी हाँ बिल्कुल। अभी इसी उद्देश्य से हम लोगों ने अपने आज राज्य कार्यकारिणी और जिला समन्वयकों का बैठक आहूत किया था और इस बैठक में भी सर्वसम्मति से निर्णय हो गया है कि हम लोग 1 तारीख से समय का अवकाश पर रहेंगे। कोई भी ग्रामीण विकास पदाधिकारी अपने कार्यों का निष्पादन नहीं करेगा और सभी वीडियोस इस अवधि में पटना मुख्यालय में बने रहेंगे, राज्य स्तर के मुख्यालय में हम लोग रहेंगे। क्या कोई टाइमिंग भी है अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन अवकाश की घोषणा है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम अनिश्चितकालीन अवकाश पर बने रहेंगे।